हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के वीडियोस की इन श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक आयताकार विभव प्राचीर या आयताकार विभव रोधिका, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, का अध्ययन आज हम करेंगे। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, माना एम द्रव्यमान तथा कुल ऊर्जा ई का एक कण चित्रानुसार विभव क्षेत्र में गति करता है। तो गति कैसे करता है? बाईं ओर से ये इस विभव क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार के विभव क्षेत्र में x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू a तक विभव प्राचीर या विभव रोधिका है। ठीक है, तो अब ये देख लें, अगर इस चित्र को हम देखें तो ये जो है हमारे पास, ये कैसी है? ये एक दीवार की तरह, ठीक है, या एक बैरियर की तरह है। तो इसलिए हम इनसे बोलते हैं आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका। तो इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चित्र को देखते जाते हैं हम साथ में। तो हमने कहा सबसे पहले वी एक्स इक्वल्स टू जीरो जब एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स जीरो से छोटा है तो उस स्थिति में वी एक्स का मान जीरो होगा। तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर x इक्वल्स टू जीरो है, x इज लेस देन जीरो, ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वी एक्स का मान कितना होगा? जीरो। वी एक्स इक्वल्स टू वी जीरो जब x का मान जीरो से a के मध्य है, ठीक है, x इज लेस देन जीरो, सॉरी x इज ग्रेटर देन जीरो और x इज लेस देन जीरो। x इक्वल्स टू जीरो से लेकर x इक्वल्स टू a के मध्य का क्षेत्र, जो कि ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर वी एक्स का मान कितना है? वी एक्स का मान वी जीरो। तीसरा क्षेत्र, जब एक्स का मान जीरो ए से बड़ा है, जिसको हम ए लिखेंगे, ए, ठीक है, उस स्थिति में वी एक्स इक्वल्स टू कितना है? पुनः जीरो है। कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र। तो हमने चित्र में दिखाया भी है, ये क्षेत्र एक से दिखाया है, ये क्षेत्र दो से दिखाया है और ये हमने क्षेत्र तीन से दिखाया है, जहाँ वी जीरो क्या है? कोई धनात्मक विभव। एक विमीय काल अनाश्रित विभव क्षेत्र में कण की गति का वर्णन काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण द्वारा किया जाता है। यह समीकरण निम्न है। तो समीकरण हो गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। इसको थोड़ा सा हल करके लिखा, इसका हमने पक्षांतरण कर लिया और इसको उठाकर दोनों तरफ गुणा कर दिया, इसको दूसरी साइड में ले गए, तो टर्म आ गई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वायर वी ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। इसको हमने समीकरण नंबर एक से गुणा, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी समीकरण एक होगी। विभव प्राचीर के बाह्य क्षेत्र में, विभव प्राचीर के बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र कौन सा? एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए, इसको भी हमें ए ही लिखना है, के लिए वी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तब क्षेत्र एक तथा क्षेत्र दो में, ठीक है, ये ए से डिनोट करना है, क्षेत्र एक तथा क्षेत्र तीन में श्रोडिंगर समीकरण डी स्क्वायर साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन इक्वल्स टू जीरो डी स्क्वायर साई थ्री डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो क्षेत्र एक में ऊपर हमने कहा था वी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ हमने वी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। वी एक्स इक्वल्स टू जीरो रखते ही ये टर्म हो जाएगी टू एम ई अपॉन एच क्रॉस साई। तो जो टू एम ई अपॉन एच क्रॉस है स्क्वायर है, इसे हम के स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं, ये यहाँ। सिमिलर क्षेत्र तीन के अंदर भी वी एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, वी एक्स इक्वल्स टू जीरो हुआ तो यहाँ भी आ गया टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो, तो इसे भी किससे डिनोट कर दिया? के स्क्वायर से। तो हमने कहा जहाँ k इक्वल्स टू टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कोई धनात्मक नियता है, तथा साई वन तथा साई थ्री क्रम से क्षेत्र एक तथा क्षेत्र तीन में कण के तरंग फलन, साई वन क्षेत्र एक में तथा साई थ्री क्षेत्र तीन में कण के तरंग फलन। तो समीकरण दो तथा तीन का व्यापक हल इस प्रकार से लिखा जाएगा, समीकरण दो और तीन जो हैं ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। हमने लिख लिया साई वन एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स
प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स जब एक्स इज लेस देन जीरो, साई टू एक्स इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये क्षेत्र ए के लिए, ये क्षेत्र तीन के लिए, तो यहाँ आ जाएगा साई थ्री, इसको साई थ्री लिखना है। साई थ्री एक्स इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, जहाँ ए बी सी डी क्या है, स्वच्छ नियतांक, ये डी रहेगा, ठीक है, इसको डी से डिनोट करना है। ए बी सी डी स्वच्छ नियतांक है जिनके मान परिसीमा एवं सांतत्य प्रतिबंधों से ज्ञात किए जाते हैं। चूंकि कण बाईं ओर से विभव रोधिका प्राप्तित होता है, तो एक बार फिर हम चित्र की तरफ चल पड़ते हैं, यहीं से समझ लेते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। हमने कहा कण जो है वो, ये मान लीजिए कोई कण है, ये इस प्रकार से गति कर रहा है। जब इस प्रकार से गति करता हुआ आता है तो क्षेत्र एक में यहाँ पर हमारे पास विभव प्राचीर है, तो ये आया और ये टकरा कर उल्टी दिशा में भी जा सकता है, अर्थात इस प्राचीर से, इस विभव बैरियर से ये टकरा कर परावर्तित भी हो सकता है, ठीक है। अब क्षेत्र तीन की बात करें, क्षेत्र तीन में आया कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर, तो कण गति कर रहा है। अब दूसरी हो गई ये वाली, ये प्लस एक्स दिशा में और ये माइनस एक्स दिशा में, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है अतः क्षेत्र एक में प्लस एक्स दिशा में गमन कर रही आपतित तरंग जिसका आयाम ए तथा माइनस एक्स दिशा में गमन कर रही परावर्तित तरंग आयाम बी दोनों संभव है, क्योंकि क्षेत्र एक में हमारे पास यहाँ पर परावर्तन के लिए ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ ये तो हो गई आपतित तरंग के लिए, ये हो गई परावर्तित तरंग के लिए, ये प्लस एक्स दिशा में, ये माइनस एक्स दिशा में। अब दूसरे में हम आए तो हमने कहा साई थ्री, साई थ्री एक्स इक्वल्स टू ये धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील कण के लिए व्यक्त कर रही है और ये ऋणात्मक एक्स दिशा में गतिशील कण को व्यक्त कर रही है। क्षेत्र तीन में यदि हम बात करें तो क्षेत्र तीन के अंदर आगे हमारे पास कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं है, यदि हम देखें अनंत तक कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर परावर्तन की संभावना नहीं है। लेकिन क्षेत्र तीन में पारगमित तरंग केवल प्लस एक्स दिशा में ही गमन कर सकती है, क्योंकि क्षेत्र तीन में दाईं ओर वी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, अतः परावर्तन की कोई संभावना नहीं है। तो आगे कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, पूरा कितना है, वी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, अतः परावर्तन की कोई संभावना नहीं है, अतः डी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो हमने लिख दिया डी इक्वल्स टू जीरो लिखकर, साई वन एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स समीकरण छः क्षेत्र ए के। इसी प्रकार साई थ्री एक्स इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स समीकरण सात क्षेत्र तीन के, जहाँ सी पारगमित तरंग का आयाम। अब क्षेत्र दो में, क्षेत्र दो जीरो से ए के मध्य वी एक्स इक्वल्स टू वी जीरो है, अतः श्रोडिंगर समीकरण एक के हल निम्न दो स्थितियों पर निर्भर करेंगे। एक, जब कण की कुल ऊर्जा ई जो है वो वी जीरो से कम है, तथा नंबर दो ई की जो कुल वैल्यू है, कुल ऊर्जा जो है कण की, वो इस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है। तो हमने कहा स्थिति एक, स्थिति एक की बात करते हैं, जब E इज लेस देन V जीरो, E इज लेस देन V जीरो अर्थात कण की कुल ऊर्जा जो है वो, जो पोटेंशियल बैरियर है, इसकी ऊंचाई से कम है। तो हमने कहा E इज लेस देन V जीरो, तब क्षेत्र दो में अर्थात जीरो से A के बीच में श्रोडिंगर समीकरण हो गई d स्क्वायर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एम अपॉन एच क्रॉस V जीरो माइनस E। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, V0, छोटा है E, तो इसे किस टर्म में लिखा जाएगा, V0 माइनस E के टर्म में, पहले बड़ा, बड़ी बड़ा टर्म और उसमें से छोटी टर्म को हमको घटाना है। तो ये हो गया टू माइनस टू एम अपोन एच क्रोस स्क्वायर V0 माइनस E साई टू, जहाँ साई टू क्या है, क्षेत्र दो में कण का तरंग फलन है। तो इसको, ये जो टर्म थी ये, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, अल्फा स्क्वायर से डिनोट किया। तो जहाँ अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ टू एम वी जीरो माइनस ई अपॉन एच क्रॉस एक वास्तविक नियतांक है, तथा साई टू क्षेत्र दो में कण का
तरंग फलन है। अतः समीकरण 8 का व्यापक हल साई टू एक्स इक्वल्स टू एफ ई रेज टू पावर एल्फा एक्स प्लस जी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल किया तो साई टू एक्स इक्वल्स टू एफ ई रेज टू पावर एल्फा एक्स प्लस जी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स, जहाँ एफ तथा जी नियतांक है। नियतांक ए बी सी एफ जी का मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा तथा सांगत्य प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें परिसीमा की, तो देखिए चित्र के अंदर तीन क्षेत्र हैं हमारे, क्षेत्र एक, क्षेत्र दो, क्षेत्र तीन। क्षेत्र एक और दो की परिसीमा है x इक्वल्स टू जीरो पर, तथा क्षेत्र दो और तीन की परिसीमा है x इक्वल्स टू a पर। तो हम इन परिसीमा और सांतत्य प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले x इक्वल्स टू जीरो पर, x इक्वल्स टू जीरो क्या है, x इक्वल्स टू जीरो जो है वो परिसीमा है क्षेत्र एक तथा दो की। तो इस x इक्वल्स टू जीरो पर साई वन इक्वल्स टू साई टू होना चाहिए, तथा डी साई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई टू अपॉन डी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ प्लस जी, समीकरण नंबर 10, ठीक है। अब हम आगे चले तो हमने कहा अब दूसरी कंडीशन लगाकर हमने लिख लिया आयोटा के ए माइनस बी एल्फा एफ माइनस जी, ठीक है। तो किसे निकाला है? ये निकाला हमने डी साई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई टू अपॉन डी एक्स, कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर लगाकर, और ये इक्वेशन लिख लिया हमने। तो इसको हमने कह दिया ये हो गई समीकरण नंबर 11। इसी प्रकार x इक्वल्स टू ए पर साई टू तथा साई टू इक्वल्स टू साई थ्री, तथा डी साई टू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई थ्री अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया c e रेज टू पावर आयोटा के ए बराबर f e रेज टू पावर एल्फा ए प्लस g e रेज टू पावर माइनस एल्फा ए। ये इससे आ गया, ठीक है। साई टू इक्वल्स टू साई थ्री लिख लिया और x इक्वल्स टू a रख दिया। अब इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करके और उसमें भी x इक्वल्स टू ए रखा तो हमें समीकरण 13 प्राप्त होती है। तो समीकरण 10, 11, 12 व 13 को हल करके b अपॉन a तथा c अपॉन a का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले समीकरण 10 तथा 11 से, तो ये तो 11 है, ये समीकरण 11 और 10 कहाँ है, देखिए 10 ये रही। इन दोनों समीकरणों को हल किया, दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो इक्वेशन आती है 2a इक्वल्स टू एफ वन माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस जी वन प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के, समीकरण 14, तथा 2b इक्वल्स टू एफ वन प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस जी वन माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के, समीकरण नंबर 15। तो समीकरण 15 में 14 का भाग लगा देते हैं तो b अपॉन a इक्वल्स टू के प्लस आयोटा एल्फा एफ प्लस के माइनस आयोटा एल्फा जी के माइनस आयोटा एल्फा एफ प्लस के प्लस आयोटा एल्फा जी प्राप्त होता है। अब हमने कहा समीकरण 13 में 12 से भाग देने पर, तो समीकरण 13 ये है, इसमें 12 से भाग दिया तो ये टर्म तो कैंसिल, ठीक है। इधर बच गया आयोटा के और ऊपर हो गया एल्फा एफ माइनस ई रेज टू पावर एल्फा ए माइनस जी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ए, नीचे हो गया भाग में एफ एल्फा ए प्लस जी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ए, ये आ गया, ठीक है। इसका पक्षांतरण कर लिया इधर और फिर इसे हल कर लिया जी अपॉन एफ के रूप में। तो हल करने पर जी अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा ई रेज टू पावर एल्फा ए। समीकरण 17 का उपयोग समीकरण 16 में करने पर, तो समीकरण 17 का उपयोग कहाँ कर लेते हैं, समीकरण 16 में कर लेते हैं। तो समीकरण 16 में किया तो b अपॉन a, तो देखिए समीकरण 16 पहले 16 में चलते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने f कॉमन ले लिया, तो f कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, सिमिलर ये यहाँ से हटा ये यहाँ लग गया, और कॉमन बाहर f आया इधर f आया तो ये f से f भी कैंसिल।
तो समीकरण 17 का उपयोग समीकरण 16 में करके और इसको हमने हल कर लिया। हल किया तो b अपॉन a इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर e रेज टू पावर अल्फा k a माइनस 1 और नीचे आ गया k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर e रेज टू पावर अल्फा a माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अल्फा k e रेज टू पावर अल्फा a प्लस 1। तो b अपॉन a को सॉल्व कर लिया हमने, तो हमने यहाँ लिख लिया e रेज टू पावर 2 अल्फा a माइनस 1 इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा a। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने ऊपर नीचे, ये 1 अपॉन ये था, इसको हमने हल कर लिया। ठीक है, तो ये जो है साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस x बाई 2 तथा कोस हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e की पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस x अपॉन 2। ये यहाँ पर हमने कोस हाइपरबोलिक की टर्म में लिख लिया, यहाँ हमने लिख लिया कोस साइन हाइपरबोलिक x, और यहाँ e रेज टू पावर माइनस x दोनों के अंदर आएगा, ऊपर ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 12 में 14 का मान रखने पर, तो समीकरण 12 में 14 का मान रखने पर का भाग देने पर, तो देखो समीकरण ये हमारी 12 थी, ये समीकरण 12 है, ये समीकरण 14 है, तो इसमें इस समीकरण 12 में इस 14 का हम भाग लगा देते हैं। भाग लगाया तो इधर हो गया c अपॉन a, इसका पक्षांतरण करके दूसरी साइड में ले जाएंगे और इसे हम हल कर लेंगे। तो हल किया तो ये हो गया c अपॉन a इक्वल्स टू 2k e रेज टू पावर अल्फा a प्लस g अपॉन f e रेज टू पावर माइनस अल्फा a e रेज टू पावर माइनस आयोटा k a k माइनस अल्फा आयोटा अल्फा प्लस g अपॉन f k प्लस आयोटा अल्फा। g अपॉन f का मान समीकरण 16 से रख लेते हैं। कहाँ है समीकरण 17 से, ये समीकरण 17 है, इससे g अपॉन f का मान भी हम रख लेते हैं। जब हमने मान रखा तो देखिए इक्वेशन जो प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी समीकरण 16 से g अपॉन f का मान समीकरण 19 में रखने पर, c अपॉन a इक्वल्स टू 4 आयोटा k अल्फा e रेज टू पावर अल्फा a e रेज टू पावर माइनस आयोटा k a k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर e रेज टू पावर 2 अल्फा a माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अल्फा k e रेज टू पावर अल्फा a प्लस 1। तो इसकी जगह हमने रख लिया साइन हाइपरबोलिक अल्फा और इसकी जगह हमने रख लिया साइन कोस हाइपरबोलिक अल्फा। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 20। तो हमने कैलकुलेट कर लिया b अपॉन a और साथ में कैलकुलेट कर लिया c अपॉन a। तो b अपॉन a और c अपॉन a की सहायता से हम परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं।